स्टॉक का नाम है इंड स्विफ्ट लैब, 125 रुपए के आसपास अभी करंट भाव है दीपांशु जी। स्टॉक मुझे लगता है कि दीपांशु जी जिस हिसाब से स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है, प्राइस पैटर्न है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ काफी बड़ा स्टॉक जो है ये प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस था 110 रुपए के आसपास का, स्टॉक ने उसको निकाला और पिछले दो तीन दिनों से जिस तरह का लगातार यहाँ पर वॉल्यूम पिकअप और जिस हिसाब के हायर हाइज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि ये पोजिशनल तौर पे मैं यहाँ पर स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो मेरी सलाह रहेगी कि 120-125 इस जोन में स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। 112 रुपए का यहाँ पर अगर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, अगर स्टॉप लॉस लगाने की वो है तो, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक 150 और 160 रुपए तक की तरफ जाने की बहुत शॉर्ट टर्म में तैयारी कर रहा है। ओरिएंट सीमेंट पे खरीदारी की राय है। मार्च की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी ये कंपनी की वो 100% पे थी, 100%, और इनका जो एक्सपेंशन प्लान है 3.5 मिलियन टन से बढ़ के 11.5 मिलियन टन होने की योजना है। तो सोचिए 3.5 से 11.5, ऑलमोस्ट 3 गुना होने की बात है। डीलेवरेजिंग ऑफ बैलेंस शीट कर रही है कंपनी, 2024 तक हो जाएगा। साथ ही साथ 11% का वॉल्यूम ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों में। एक्सपेंशन प्लान कुछ ना कुछ राजस्थान में भी है। तो ओरिएंट सीमेंट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे निवेश जरूर करना चाहिए। 171 के टारगेट एक्टिव, 1700 रुपए के करीब अनिल जी करंट भाव है। एक अच्छी डिसेंट कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक मुझे लगता है कि वापस से एक अपमूव के लिए तैयार है। लगभग 3 से 4 हफ्तों की एक लंबी कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाई है अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के पास। मल्टीपल सपोर्ट टेस्ट करने के बाद स्टॉक अब वापस से हरकत में आता हुआ नजर आया है और आज शुरुआती कुछ मिनटों में यूजुअली वॉल्यूम्स जो है वो पिकअप होता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है सोलारा में यहाँ पर खरीदारी करके चले। 1740 और 1760 के मुझे लगता है कि टारगेट्स यहाँ पर आज से कल तक के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 1680 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि ये टारगेट्स हो सकता है कि शायद आज के ही सेशन में अचीव हो, उसके बाद ये टारगेट्स रिवाइज किए जा सकते हैं और आगे चल के शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी यहाँ पर काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।